बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियलिटी नेटवर्क में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर से हम मौजूद हैं ग्रीन लाइन कराची के मेन अंडरपास नुमाइश चुरंगी पे, और आपको बताते चलें कि आज बाकायदा तौर पर यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं और टेस्ट ड्राइव चल रहा है। बेसिकली टेस्ट ड्राइव इसलिए चलाया जा रहा है कि अभी गाड़ी आके रुकी है सामने स्टेशन पर, और जहाँ से पैसेंजर्स ने आके आगे बैठना है वहाँ पे अब टेस्ट किया जा रहा है कि आया कोई रास्ते में रुकावट तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे इंजीनियर्स की पूरी टीम मौजूद है, और अभी इसमें यही चेक किया जा रहा है कि अगर कोई इशू है कहीं पे पैसेंजर्स को चढ़ने में, गाड़ी में बैठने का कोई मसला मसाइल है तो वो उसको फ़ौरन रेक्टिफाई किया जाए। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जो अंडरपास है ये ना सिर्फ कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंडरपास बनने जा रहा है। आपको बताया था इससे पहले लाहौर में एक अंडरपास जिसकी लेंथ तकरीबन 1 किलोमीटर है, मगर इस अंडरपास की लेंथ 1.4 किलोमीटर है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और इसका काम तेज़ी से चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 से 2 माह में ये भी बाकायदा तौर पर फाल हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, हम अभी आपको दिखा देते हैं, ये आपके साथ चलते हैं। ये बेसिकली टॉप एरिया है जहाँ से पैसेंजर आएंगे। ये नीचे हम लोग सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, 4 पॉइंट्स बनाए गए हैं ऊपर, और सीढ़ियाँ उतरेंगे हम। उसके बाद सीढ़ियाँ उतरने के बाद मिडल फ्लोर आएगा। तो मिडल फ्लोर पर हम जब ये अभी देखें, मिडल फ्लोर पर हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और यहीं पर जो है ना टिकट का सेटअप होगा। यहाँ से हम टिकट लेंगे। ये बेसिकली सारा जो नज़र आ रहा है आपको मिडल फ्लोर है। उसके बाद टिकट लेने के बाद हम ये मिडल फ्लोर थोड़ा सा आगे चलेंगे, सामने बिल्कुल सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा सा आगे चल के सीढ़ियाँ आएंगी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि अभी ये सीढ़ियाँ आ गई हैं। हम ये यहाँ से नीचे अभी सीढ़ियाँ उतरेंगे और ये वो ग्राउंड फ्लोर आ जाएगा इस अंडरपास का। तो यहाँ पे आके रुकेंगे, वो सामने गेट हैं बेसिकली, और यहाँ पे सामने गाड़ी आके रुकेगी। आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे गाड़ी आके रुकी है। तो इसी तरह से जब ये बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा तो तब भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा कि आपको टॉप से जो है ना आना पड़ेगा सीढ़ियाँ उतर के मिडल फ्लोर पर, मिडल फ्लोर से टिकट लेंगे, उसके बाद फिर मिडल फ्लोर से फर्दर सीढ़ियाँ उतर के हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे जहाँ पे बस आके रुकेगी जो हमने अभी आपको दिखाया है। जी तो नाज़रीन, अभी हम बाइक पे हैं और अभी आपको दिखाएंगे ये अंडरपास। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बनाया जा रहा है। अभी कलर हो चुका है इस पर और अभी मज़ीद काम रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत ही जो है ना खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ साथ आप ये चेक करें कि कितनी ज़्यादा लेंथ है। अभी हम बाइक पर जा रहे हैं और ये देखिए अंडरपास। अभी हम स्लोप एरिया है बेसिकली, अभी अंडरपास में इंटर नहीं हुए, तो इस साइड पर बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। और आपको बताते चलें बेसिकली अगर हम बात करें ये सरजानी टाउन से टावर वाली साइड पे अगर हम जाएं तो ये उस तरफ हम जा रहे हैं, यानी सरजानी टाउन से जो गाड़ियां चलेंगी इधर नुमाइश चुरंगी इस अंडरपास से क्रॉस करती हुई फर्दर टावर की तरफ जाएंगी, तो ये वो वाला एरिया है। अभी आप देख सकते हैं ये इंटर हो गए हम अंडरपास में, और लाइटें देख सकते हैं आप, लाइटों का काम काफ़ी हो चुका है। और साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि कलर वगैरह भी किया जा रहा है दीवारों पर। अभी स्टेशन का काम रह रहा है, अभी आपको जैसे नज़र आ रहा है ये गेट हैं अभी रह रहे हैं। इसके अलावा ये वो सीढ़ियाँ हैं जो मिडल एरिया से हम नीचे आएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, और अभी देख लें यहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक रहता है, मगर ये है कि यहाँ पे हमने देखा है कि टीमें लगी हुई हैं और काम तेज़ी से जो है ना जा रही है। ऊपर ये देख सकते हैं यहाँ ऊपर वाली साइड पर वेल्डिंग का काम चल रहा है। इसके साथ ही हमें सामने जो है वो हैवी मशीनरी नज़र आ रही है, क्रेन वगैरह लगी है और काम जो है ना चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि बहुत जल्द जो है ना इसको भी ग्रीन लाइन के साथ ही उम्मीद है कि इसको भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी तो ये देख सकते हैं सामने ये स्कैफोल्डिंग वगैरह की जा रही है कि जहाँ पे अप्रोच नहीं होती तो वहाँ पे इस तरह से ये स्कैफोल्डिंग की जाती है ताकि लोग इजीली वहाँ पे पहुँच के अपना काम कर सकें। ये सामने अभी देखें क्रेन है, क्रेन की हेल्प से भी जो है ना जहाँ पर एक्सेस नहीं होती वहाँ पर फिर ये क्रेन लगाई जाती है और लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना इसका काम कंप्लीट किया जाएगा। जगह जगह वेल्डिंग का काम चल रहा है, अभी देख सकते हैं सामने वेल्डिंग चल रही है, टीमें लगी हुई हैं,
और अभी ये अंडर पास ही चल रहा है। अभी आप ख़ुद देख लें कि वाकई ही में पाकिस्तान का बड़ा अंडर पास है, तो जाहिर बात है बाइक पे भी इस अंडर पास को निकलने में टाइम लग रहा है जी। तो ये अंडर पास ख़त्म हो चुका है अभी और हम बाहर वाली साइड पे आ गए हैं जी नाज़रीन। तो ये अभी हम दूसरी साइड से इंटर हो रहे हैं, ये वो साइड है, आप यूँ समझ लें कि अगर टावर वाली साइड से बस चलेगी और उसने अंडर पास को क्रॉस करते हुए सरजानी वाली साइड पे जाना है, तो ये उस साइड की आपको वीडियो दिखा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस साइड पे अभी तक दीवारों पे भी कलर वगैरह नहीं हुआ, जबकि आपको जब दूसरी साइड से हमने दिखाया था वहाँ पे माशाल्लाह कलर वगैरह हो चुका है। और इस साइड पे स्लोप भी कम है, जबकि हम दूसरी साइड से जब आए थे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है स्लोप में। और ये देखें, ये इसका इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है और अभी हम इंटर हो चुके हैं अंडर पास में। तो उम्मीद करते हैं हम कि इंशाल्लाह ये जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाए, और अब हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।